तो आज बनी है बिरयानी। एवरीवन कैसे हैं आप लोग, होप यू गाइस आर वेल। तो मेरा नाम है शुभम यादव और आप देख रहे हैं कूल बॉय कैन बेट हर व्लॉग। तो बेसिकली आज कॉलेज बंद है एंड आज 30 दिसंबर। तो अरे बहुत सारे भी प्रोजेक्ट बनाने हैं हमें और अभी सारे काम अभी पेंडिंग में हैं। आज और कल तक सारे काम निपटा के फिर पार्टी करते हैं, तो 2 दिन कॉलेज को दे देते हैं, यानी 2 दिन जो भी असाइनमेंट वगैरह है सारे कंप्लीट कर लेते हैं। पहले चल के आज लंच करते हैं, लंच में आज बिरयानी, तो बिरयानी पहले खाते हैं। तो पहले चलते हैं लंच करते हैं क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी है, फिर आते हैं, फिर यहीं पे आएंगे, ठीक है। तो आज बनी है बिरयानी एंड ऊपर लेके हम लोग खाएंगे, तो चलते हैं भाई लोग। वेज बिरयानी एंड ये है दही, लेके चल रहा हूँ, ये तो बाहर से लिया हूँ मैंने। एंड नाउ अभी चल रहा हूँ रूम पे। डालियो पड़ गया मसाला, एंड नाउ हम लोग होटल में बैठ के यहीं पे खाना खाते हैं। भाई ये कितना प्यारा लग रहा है, दिख रहे हो ना, जस्ट तुम्हारा भाई भी ऊपर आ गया है। तो अभी आज जितने भी टीचर है भाई, आज सुबह जैसे ही उठा वैसे खटाक खटाक मैसेज आना स्टार्ट हो गया। किस लिए मैसेज आया पता है, सारे प्रोजेक्ट मिनी प्रोजेक्ट, मतलब कि दो दिन की छुट्टी में ये सारे प्रोजेक्ट इसी में कम्प्लीट। अब बैकग्राउंड देख रहे हो कितना प्यारा लग रहा है वहाँ पे। नौ अभी हम चल रहे हैं सीधा भी मिनी प्रोजेक्ट और जो भी जितने प्रोजेक्ट हैं ऑलमोस्ट कम्प्लीट करने के लिए। जो भी पहले असाइनमेंट है, असाइनमेंट पहले शुरू से स्टार्ट करते हैं, पहले असाइनमेंट कम्प्लीट करेंगे फिर प्रोजेक्ट पर लगेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं असाइनमेंट में, आज पहले असाइनमेंट वगैरह कर लेते हैं, रूम पर चलेंगे, असाइनमेंट वगैरह पूरा कम्प्लीट करना है फिर उठेंगे यार, क्योंकि अब फोकस करना है। 2 दिन फोकस कर लूँगा, उसके बाद फिर घूमूंगा आराम से। तो आज छुट्टी है तो यही कर लेते हैं, कहीं घूमने नहीं जाऊँगा आज। चल भैया चलते हैं नीचे। वो देखो भैया चल रही है वहाँ पे। चलते हैं भाई, पहले नीचे चलते हैं, सीधा रूम पे चलते हैं, वहीं पे प्रोजेक्ट वगैरह कंप्लीट करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा शाम हो गई है एंड फिर चलते हैं ऊपर, क्योंकि आज इकोनॉमिक्स का वैसे असाइनमेंट तो कंप्लीट कर लिया। वैसे भैया यहाँ पे तो ठंडी ठंडी हवा बह रही है यार, ये तो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के मैं ब्लॉगिंग बना रहा हूँ। डेडिकेशन देख रहे हो ना तुम सबके लिए। अरे मजाक कर रहा हूँ यार ऊपर ये देखो भाई, तुम सब देखो ऊपर कोई भी नहीं है, कोई एक बंदा नहीं है, ये मेरे लिए है ये परफेक्ट हॉस्टल मेरे ब्लॉगिंग के लिए है। तो पूरा मैं इसका पूरा मैं भरपूर इस्तेमाल करता हूँ, कह सकते हो। एंड यार अभी इकोनॉमिक्स का मैंने असाइनमेंट कंप्लीट किया है, इनफैक्ट 4 असाइनमेंट है, तो उसमें एक असाइनमेंट कंप्लीट किया है एंड एक मिनी प्रोजेक्ट था, और मिनी प्रोजेक्ट में 55 पेजेस के बनाने थे, तो उसको भी मैंने करना स्टार्ट कर दिया है। एंड अभी HOD सर का मैसेज आया कि 3 तारीख से पेपर है यार, टाइम तो बिल्कुल नहीं बचा है, तो अब तो अच्छे से लगना पड़ेगा यार। असाइनमेंट बनाऊँ या फिर पढ़ाई करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट पढ़ाई पहले करता हूं क्योंकि 3 दिन का एग्ज़ाम रहेंगे, 3 दिन तक एग्ज़ाम रहेंगे, यूनिट टेस्ट है, तो 3 दिन थोड़ा पढ़ाई लिखाई भी ध्यान दे देता हूं। एंड यार आने वाला है न्यू ईयर, तो न्यू ईयर से पहले हम लोग को ऐसे शॉकिंग न्यूज़ मिला है कि न्यू ईयर भी ख़राब ही हो रहा है। देखते हैं न्यू ईयर पर कहीं जाते हैं कि नहीं जाते हैं, क्योंकि ये न्यूज़ सुनने के बाद ना न्यू ईयर अच्छा जाएगा नहीं। तो अगर कहीं जाना भी हो तो फिर एक आध दिन प्लान करेंगे और एक दिन निकल चलेंगे घूमने के लिए, उसके बाद फिर एग्ज़ाम बाद ही कहीं जाना होगा तो जाना होगा, कह सकते हो भाई। हो जब ठंड ज़्यादा नहीं लग रही है यहाँ पे। एंड बाय द वे मैंने एक केदारनाथ का मिनी व्लॉग बनाया है, मिनी व्लॉग नहीं कह सकते हो, जैसे फिल्मों में होता है ट्रेलर ना, तो उस टाइप का मैंने कुछ एडिट किया है। बेसिकली भाई मेरे को बहुत ये तुम लोग बताने कैसी एडिट हुई है, ट्रेलर था, ट्रेलर कह सकते हो या फिर
एक शॉर्ट्स में मिनी ब्लॉग कह सकते हो, तो इस टाइप में मैंने एडिट किया है एंड देख के बताना कैसा लगा। सो अभी हो सकता है आज मैं अपलोड करूँ, आज तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैंने ब्लॉग एडिट करके पोस्ट किया है। सो कल करते हैं, कल संडे है तो कल कर देते हैं या फिर दोपहर में 12 बजे करते हैं, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। तो उस हिसाब से एक ट्रेलर भी डालते रहेंगे, जैसे कभी घूमने के लिए जा रहे हैं ना, तो उन सब टाइप में। तो अभी तो इसमें तो मैंने डेली व्लॉगिंग स्टार्ट की है, जो भी मेरा डेली रूटीन होता है, जो भी रहता है, मैं चीज़ें डालता हूँ या फिर बातें करता हूँ आप सभी से, इस टाइप का रहता है ना यार। तो देख के बताइएगा एंड कमेंट जरूर करिएगा कि वो वाला एडिट कैसा लगा। ना यार अभी चलते हैं क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, अगर ज़्यादा ऊपर रहूँगा तो तबीयत भी ख़राब हो सकती है, क्योंकि छत ऊपर ज़्यादा है ना, तो इस वजह से देख रहे हैं वहाँ पे। एंड चलते हैं यार रूम, तो एक बार सिनेमैटिक मोड में देखता हूँ कि कैसा आता है। तो सिनेमैटिक मोड में भी मैं व्लॉगिंग स्टार्ट कर सकता हूँ, देखता हूँ यार कैसे वीडियोज़ आ रही है। तो इस समय मैं सिनेमैटिक मोड पर ही बना रहा हूँ, समझ सकते हो ना यार। चलते हैं